नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या है आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेगा आपका भाग्यशाली अंक, और आज का दिन का कार्य किस तरह का करना है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन का शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कामों में से जुड़ी योजनाएं बना लें, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल है। आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस समय भाव और आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तथा अनुकूल समय का बेहतरीन उपयोग करें। आत्म केंद्रित कर होने के बजाय सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी रुझान रखें। कार्य क्षेत्र में काम से संबंधित कोई नुकसान होने की आशंका बन रही है। कर्मचारियों तथा काम की क्वालिटी पर विशेष नजर रखें। नौकरी पैसा व्यक्ति से भी आपके अपने ही अधिकारियों के साथ संबंध ना खराब होने दें। इस समय अपने ऑफिस के काम पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। परिवार तथा नजदीकी मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से संबंध और अधिक मजबूत होंगे, तथा पारिवारिक वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। मांसपेशियां से खिंचाव की वजह से शरीर में कुछ दर्द रह सकता है। योगा या व्यायाम इसका उचित इलाज होगा। और आज का भाग्यशाली रंग होगा मेहरून, और आज का आपका भाग्यशाली अंक होगा 6। मौज मस्ती पर जरूरत से अधिक किया खर्च आपके लिए तकलीफ पैदा कर सकता है। पैसे और व्यक्तिगत जीवन संबंधी अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। आप पर बना तनाव कम हो रहा है, फिर भी काम पर आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वजह यह है कि नुकसान होने की आशंका भी बन सकती है। वाणिज्य क्षेत्र में व्यक्तियों को काम करते समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा पार्टनर को दिया हुआ सरप्राइज संबंधों में मधुरता बढ़ाएंगे। शरीर से जकड़कर महसूस हो सकती है। और आज आपको अभी जॉब में है और अब दूसरी जगह जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज समय अनुकूल है। किसी खास परिचित या निकट संबंधी से आसपास की यात्रा हो सकती है। गणेश भगवान को चंदन का तिलक का चावल करें। बड़ी उम्र की व्यक्ति को परामर्श देने की मामला है तो अच्छी सफलता हाथ लग सकती है। हिप या इनके आगमन आसपास के भाग से संबंधी स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। कोई विशिष्ट व्याख्यान को काउंसलिंग का अवसर मिल सकता है। शनिदेव के सामने तिल के तेल का दीपक करें। धन लेन देन में विशेष सावधानी रखें। नकली गहनों के कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, या पिछले किसी बड़े ऑर्डर का पैसा मिल सकता है। ब्लड शुगर है तो आज खान पान को लेकर खास जागरूकता बरतें। धार्मिक आयोजन में धनराशि वेट करें। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को आपकी तरह आकर्षित करेगा। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों के प्रति आपका विशेष जुलान रहेगा। सुकून और आराम पाने की चाह में कुछ समय मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी व्यतीत होगा, परंतु आज कोई भी महत्वपूर्ण योजना बनाने से परहेज करें। मन में कुछ चंचलता जैसी स्थिति रहेगी। आपके अंदर कुछ ईगो जैसी भावना भी उपज सकती है। अगर इसे सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उचित ही रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। इस समय मार्केटिंग संबंधी अपने सूत्रों को और अधिक बढ़ाएं। कार्य संबंधी कुछ परिवर्तन में भी योग बन रहे हैं, परंतु कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लें। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएगी। पति पत्नी में किसी समस्या को लेकर नोक झोंक रहेगी, परंतु आप समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालना भी लेंगे। भरपूर
नींद ना लेने की वजह से थकान रहेगी। किसी पारिवारिक वरिष्ठ व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर ही चिंता रहेगी, और जिन बातों पर डर आपको सता रहा था उनको मिटाने का मार्ग आपको प्राप्त होगा। पैसे से संबंधी निर्णय लेते समय हड़बड़ी ना करें। लोगों को परखने से गलती होने की वजह से आज आपका थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मिली हुई सीख को याद रखकर आगे बढ़ते रहें। काम की जगह गलत व्यक्ति पर विश्वास रखने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। पारिवारिक वालों को व्यवहार या वजह की रिलेशनशिप संबंधी तनाव बढ़ेगा। पेट की जलन से ऊपर ऊपर तकलीफ दे सकती है। मानसिक वातावरण खुला खुला अनुभव हो सकता है। उल्लासा में रहने के कारण सभी प्रकार के निर्णय करने में अधिक आसानी और सटीकता रह सकती है। सांस संबंधी समस्या को लेकर सजगता बरते। गुरु के दिए दीक्षा मंत्र का जाप करें। प्रॉपर्टी संबंधी काम करने हैं तो पूरा पूरा धीरज रखें। समय अनुकूल नहीं है। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसका भली भांति अध्ययन कर लीजिए। पुरानी चोट दुखी हो सकती है। फेरी लेने वाले को वेट करें। कॉरपोरेट सेक्टर में HRD विभाग वालों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। पक्ष में एक से अधिक बात आ सकती है। बड़ा लाभ या पद प्राप्ति या इसकी सूचना मिल सकती है। देवी माँ को सिंदूर की डिबिया चढ़ाएं। आज आपको अपने काम में प्रति पूर्ण संपन्न आपके कई कार्यों को हल करने में सक्षम रहेगा। किसी समाज सेवी संस्था में आपके विशेष योगदान व निष्ठा की वजह से मान सम्मान तथा यश में भी वृद्धि होगी। युवा तथा विद्यार्थियों को किसी विशेष कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों में आकर वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से मन में विचलित रहेगा। विचारों में संकीर्णता ना आने दे। आज ज्यादा मेलजोल ना रखकर अपने काम से ही मतलब रखें। व्यावसायिक स्थल पर अपने कार्यों तथा योजनाओं को किसी से समय शेयर ना करें, क्योंकि दूसरों के हस्ताक्षेप आपके बनाते बनते कामों में रुकावट भी डाल सकते हैं। आय में सावधान बढ़ते रहेंगे। कोई भी रिस्क लेने से परहेज करें। अपनी योजना व कार्य में जीवन साथी की सलाह अवश्य लें, आपके लिए फायदेमंद होगी तथा परेशानियों को हल करने से सहायता भी मिलेगी। अपने खान पान की सनियत रखें। बद परहेजी की वजह से लिविल संबंधी दिक्कत भी आ सकती है। पिछले समय से संबंधित बातों को भूलने की कोशिश सफल रहेगी। जिन व्यक्तियों से आपको तकलीफ होती है उनके दूरियां बनाए रखना आपके लिए संभव हो सकता है। व्यक्तिगत दायरे को भी बनाए रखने की कोशिश करें। मित्र परिवार के साथ संबंध सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। नई नौकरी मिलने की वजह से करियर संबंधी तकलीफ दूर होगी। पार्टनर से प्रयत्न द्वारा आप पर बना हुआ बड़ा संकट टल सकता है। पेट की तकलीफ भी नजरअंदाज ना करें। और आज महिला दवा दुकानों व्यापारियों को समय अनुकूल दे सकता है। मानसिक तनाव से बचने का पर्याप्त प्रयास करें। थकावट अधिक रह सकती है। पिता को विशिष्ट भेंट करें। जॉब बदलने के लिए साक्षात्कार के लिए तारीख तय करनी है तो आज तय ना करें। शरीर में कंपन को लेकर विशेष सावधानी बरतें। कोई एक्सरे या MRI करवानी शेष है तो आज करवा लीजिए। हनुमान जी के सामने